रायगांव में 7 घरों से हुई करीब 10 लाख की चोरी, एक के बाद एक घरों से चटकाए ताले नहीं हुई ग्रामीणों को आहट। कोलारस थाना क्षेत्र के रायगांव में चोरों ने एक रात में 7 घरों से लाखों रुपए की चोरी की है। खास बात यह रही कि चोर गिरोह एक के बाद एक घरों के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे, लेकिन किसी भी परिवार को उनके घर में चोरों की आहट सुनाई नहीं दी। बता दें कि कोलारस थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों की हौसले बुलंद है। इससे पहले भी चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है और अब रायगांव में चोरों ने एक रात में करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रायगांव में रहने वाले मंगल पाल पुत्र रामचरण पाल के घर से चोर लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण, 3 तोला सोने का मंगलसूत्र और घर में रखे 50,000 रुपए नकदी चोरी करके ले गए हैं। इतना ही नहीं, चोर घर में रखे 100 किलो देशी घी को भी अपने साथ लेकर गए। चोरों ने कल्याण पुत्र रामचरण के घर पर धावा बोलते हुए 40,000 रुपए नकदी, सोनेराम जाटव पुत्र कृष्णलाल के घर में रखे 3 क्विंटल गेहूं, पूरन पाल के घर से चांदी के पायल और करधनी सोने का मंगलसूत्र सहित 13,000 रुपए नकदी, भूरा जाटव के घर से चांदी के करधनी हथफूल सोने के बाला और मंगलसूत्र, डोप्रिया खेरू जाटव के घर से सोने की अंगूठी झुमकी चांदी के पाव के पट्टे 5,000 नकदी, मांगलिया जाटव के घर से चांदी की पायल करधोनी सोने का मंगलसूत्र सोने वाला 2 सोने का ताबीज और 30,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने के बाद कोलारस पुलिस ने रायगांव पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है। नाम भैया आपका? मेरा नाम छोटू पाल। आपके यहाँ चोरी हुई है? कब हुई और कैसे हुई? रात में चाचा जगाने आया तब हमको मालूम पड़ा कि हमारा जी गेट का ताला टूट रहा था, बरामदा चेक किया तो पता चला ताला भी खुला था, उसमें पैसे चेक करे पैसे नहीं। तो आप लोग थे नहीं क्या घर पे? नहीं थे घर पे। तो कहाँ थे फिर? मतलब इसका ताला अलग अलग कमरे में सो रहे सभी लोग। अच्छा, अलग कमरे में सो रहा है, इस कमरे में ताला लगा हुआ था। हाँ। तो आपको कब मालूम चला? वजह से चाचा जगाने आए थे, उनकी भी चोरी हुई है चाचा जी की। अच्छा, तब मालूम पड़ा मुझे। तो कितने क्या चोरी चला गया, क्या क्या चला गया? 40,000 रुपये कैश चलेगा और कुछ नहीं। 40,000 रुपये कैश? हाँ। आपका पूरन पाल? तो आपका क्या क्या चला गया? रकम गई भाई साहब पूरी। क्या क्या रकम गई? रुपया, करधोनी, पायल, हथफूल, चूरा, लर भी छोड़ी और मोती सोने के भी मोती थे। लगभग कितनी रकम होगी? लगभग 1.5 से ऊपर की मान लो भाई साहब। मतलब 1.5 कैसे? 1.5 लाख रुपए? अच्छा, 1.5 लाख रुपए की कीमत थी लगभग। 13,000 नगद थे। 13,000 नगद? हाँ। तो आप लोग कहाँ थे, या घर नहीं थे क्या? हम जामा सो रहे साहब। दूसरे कमरे में? दूसरे कमरे मोड़ा जामा सो रहे ऊपर। अच्छा, तो इसमें ताला नहीं लगा था क्या? तारों को कटाओ, कटो कटाओ किस चीज में रखे थे? अटैची में साहब। अटैची में रखे? आपको कम मालूम चला? हमें तो मैं रात के 2-3 बजे उठो सब कट्टी बैंडर ही जग बैंडर हो। हाँ, भरी मैंने की झुका होगा, मैंने पीता डेकर तो सब पूरा सामान फैलो फालो। अच्छा, भैया आपका बुरा बुरा तो ये क्या क्या चोरी चला गया आपके यहाँ? इसमें रखे थे करधोनी, हथफूल, बाला, मंगलसूत्र और पायल हैं और आदन की छूरे बिछड़ी वगैरह की। और इसके अलावा क्या क्या? और पैसे थे 5,000, 10,000 थे। 10,000 रुपये? और का। तो आपको पता नहीं लगा इसमें कुछ सो नहीं रहा था कमरे में? कोई नहीं सो रहा था, इसमें ताला लगा था। ताला लगा था? हाँ। तो आपको कैसे मालूम चला जब चोरी हुई? मैं उठा था तब ताला टूटा डाला था, गेट खोला। कितने बजे उठे थे आप? हम गए 3 बजे। 3 बजे? पुलिस को सूचना कर दी? फिर हमने। नाम है आपका? कसुनल। तो आपके यहाँ भी चोरी हो गई? जय मेर मोड़ा बड़ो। आपके लड़के के यहाँ हो गई? तो कितने क्या चोरी हो गई? जाके पायल है और करधोनी है, मंगलसूत्र है, दूम है, चांदी की चोरी है, बाला 30,000 रुपये, लेटरिन बाथरूम को रुपये जोड़ रहे मोड़ी मजूरी करे हुआ मोड़ा नहीं। तो आप लोग सो नहीं रहे थे इस कमरे में? जहाँ में नहीं सो रहे थे। तो जहाँ तारों लग रहा था? अच्छा, मतलब दूसरे कमरे में सो रहे थे? जहाँ में सो रहे थे। अच्छा, कौन कौन सो रहा था उसमें? मैं और मेरी बहू। और घर वाले परिवार वाले कहाँ? घर वाले नहीं है, और तो भी बेहतर रहता है, जितने जी बच्चा चलो आना मजदूरी करे तो जी बहू के बगल में सो गए हाथों में। अच्छा अच्छा अच्छा, दो मोड़ा आएंगे छोटे छोटे, दो मोड़ा आएंगे जाके। तो आपको कितने बजे मालूम चला के चोरी हो गई?
जे मतलब जे बेसी आए ना घूम के ना ही थे सुयान का ना ही पर हम पैसा करे हमने दे की सुत तार जग जाग को भाई रहो और जाग तार निकालो को लगभग कितने की चोरी हो गई हुई कितनी कीमत माने और सर हम तो सो के वोटे आते बत ये जिपे पते से आए नहीं नहीं तुम्हारा सामान जो गया है उसकी कितने कितनी कीमत माने कीमत अब तुम्हें समाई लो कितने के चांदी की पायल भी गई है तो अंदाज से 30,000 रुपया नंग रुपये बाबू लेटर बात तुम रुपये दर।